बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको WBJEE के 2021 की जो ट्यूशन फी वेवर है उन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं। तो जैसे ही मैं यहां पे आता हूं, WBJEE की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पे आप देख सकते हैं WBJEE.NIC.IN, और यहां पे मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूं और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर मैं क्लिक करता हूँ और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो मैं ओपन करता हूँ। और देखिए ट्यूशन फी वेवर जो है वो 6 नंबर पॉइंट में यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है 6.0 में, यहाँ पर बात करते हैं ट्यूशन फी वेवर स्कीम के बारे में। तो देखिए यहाँ लिखा है कि कुछ क्राइटेरिया आपको पूरे करने होंगे अगर आपको जो है वो ट्यूशन फी वेवर चाहिए। वेवर का मतलब होता है माफ, ओके, मीन्स ट्यूशन फी में जो आपको छुटकारा चाहिए। तो देखिए पहला है कि ट्यूशन फी वेवर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है, यानी कि दिया जाता है टू मेरिटोरियस एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स, मतलब जो छात्र पढ़ने में अच्छे हों और जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो। उसके बाद इनका दूसरा नंबर क्राइटेरिया क्या है कि वो डोमिसाइल्ड इन वेस्ट बंगाल हो। डोमिसाइल का मतलब होता है कि वो मूल निवासी वेस्ट बंगाल के ही रहने वाले हो, बाहर के छात्रों को नहीं दिया जाता है, ओके। और उनका जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से सालाना कम होना चाहिए, मीन्स 12 महीने का इनकम जो है वो 2.5 लाख से आपका कम होना चाहिए, तभी जो है वो आपको ये ट्यूशन फी वेवर मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि वेवर जो है वो सिर्फ ट्यूशन फी पे मिलता है और अदर चार्जेस जो है वो आपको देने ही पड़ते हैं, ओके। मीन्स आपको जो रहने का देना पड़ेगा, खाने का देना पड़ेगा, ओके, और एक्स्ट्रा लैब चार्जेस, एग्जामिनेशन चार्जेस, इन सभी पे आपको पैसे लगेंगे, ट्यूशन फी भी फी पे जो है वो आपका छूट मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना पड़ेगा अगर आपको आपको जो है वो ट्यूशन फी वेवर चाहिए। तो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपेंडिक्स 4 में जो फॉर्मेट दिया गया हुआ है, अपेंडिक्स 4 कैसा है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और वैसे फॉर्मेट पे जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है तभी जो है आपको छूट मिलेगी आपके आपके पढ़ाई में, ओके, और मींस फीस में, ट्यूशन फी में। अब देखिए उसके बाद कैंडिडेट्स जो है वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवा सकते हैं, तो एक कि ऑफिसर जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी और बिलो द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये तो यूजुअली स्टूडेंट्स इनसे नहीं बनवाते हैं, ओके। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM लेवल से बनता है, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर सब डिविजनल ऑफिसर और ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर। तो BDO से यूजुअली स्टूडेंट्स बनाते हैं या फिर सब डेवलपमेंटल ऑफिसर से बनाते हैं, SDO से, तो ये दो लेवल का ही अगर आपके पास है तो भी आपका चल जाएगा, ओके। और उसके बाद दिखाते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है नोट में कि इनकम सर्टिफिकेट जो है वो कोई भी इलेक्टेड पर्सन रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि कोई भी जो है वो इलेक्टेड पर्सन से नहीं बनना चाहिए, जैसे कि जो वोट से आदमी जीत के आते हैं उनसे नहीं बनना चाहिए, जैसे कि आपका जो हो गया वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसलर, म्यूनिसिपलिटी Tier 3, पंचायत सिस्टम, GTA, MLA, MP, इन सभी से जो है वो आपका नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अब मैं आपको जो है वो फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि आपका इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप सभी को जो है वो उसी फॉर्मेट पे बनवाना है। तो देखिए जैसे ही आप ज़्यादा स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ नीचे अपेंडिक्स 4 आएगी, और अपेंडिक्स 4 जो है वो इनकम सर्टिफिकेट का ही परफॉर्मा है, और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 47 पेजेज है, उसमें 31 नंबर पेजेस पे जो है वो यहाँ दिया गया है। और ऐसे ही जो फॉर्मेट पे आपको है वो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है 2.5 लाख से कम का, ओके, 2.5 लाख से ज़्यादा का हो जाएगा तो आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो आपको अगर इससे कम का बनवाते हो तभी जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको कम आय के रहते हुए जो है वो सर्टिफिकेट और ट्यूशन फी पे वेवर मिल पाएगी। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, फिर भी कोई डाउट रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ ले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।